शिव के क्रोध आग्नि का विग्रह रूप कहे जाने वाले काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनकी पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जादूतों ने भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। काल भैरव के प्राकट्य की निम्न कथा स्कंद पुराण के काशी खंड के 31वें अध्याय में है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं में ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है। स्वाभाविक ही उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बताया। देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत भूत भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है अनादि अनंत और अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सुनकर ब्रह्मा ने अपने पांचों मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उन दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ से सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सर को ही काट दिया। शिव के कहने पर भैरव काशी प्रस्थान किए, जहां ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने ही काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी ने कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रहता है। भगवान काल भैरव से जुड़े कुछ तथ्य। नंबर एक, काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र तथा तेजस्वी स्वरूप है। नंबर दो, सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में रक्षार्थ इनका पूजन होता है। नंबर तीन, ब्रह्मा का पांचवा शीर्ष खंडन भैरव ने ही किया था। नंबर चार, इन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव मंत्र और साधना। मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। काले रंग का वस्त्र पहनकर तथा काले रंग का ही आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें तथा उपरोक्त मंत्र की 108 माला रात्रि को करें। इस साधना से भय का विनाश होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे पाई होंगी कि ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्यों और कैसे किसने काटा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।